स्टोरी पढ़ेगा? अपना तो लिया है, अपना लोड़े बोलना है तुम्हें हमको। अपॉइंटमेंट मैडम दे दो ना, तांको पेपर अच्छे अपना लोड़ी अब बुक कर दी वो आने को ना।
हिंदी ये जाना है हिंदी ऑप्शन तुम्हारा हिंदी ऑप्शनल सॉरी कंपलसरी हिंदी आर थर नुआ पिला तय माने आर थर को ए टाइम रे ओडिया थी ना सते पे समस्त पळे आछो अरे मैडम गुरु जी को मैसेज सेंड करो जे को हमरा को मैसेज है आ गया आ सुनो तो ए टाइम रे ओडिया से माने बोले ओडिया थी ना ओडिया थी ना आ दिन तीन जन पिला पळे ले माने ओडिया थी ना आमे भाबिलु की छोड़ा है जी बोले हर दिन आमे ओडिया से पढ़ी गयो हां से आ ओडिया नाम की दुन गयो हां से आ उनी की क्या कर गयो कबीरदास कहते हैं कि गुरु और गोविंद एक है उनमें कोई पार्थक्य नहीं बाकी जो देखते हो वो सब मिथ्या है आपा यानी अहंकार को छोड़ दो तो ईश्वर का दर्शन मिल जाएगा पढ़ सर क्यों कबीरदास कहते कि गुरु और गोविंद होते जड़े बाकी जहाँ सब तुम देखु से सब मिथ्या बाकी आपा यानी अहंकार अहंकार जदि तुम छाड़ी देव ताहले ईश्वर का दर्शन तुमको मिल जाए। नेक्स्ट अच्छे कौन चकई बिछुरी रेंती आई मिले प्रभाती वो बच्चे तो समझते करो जो ना बिछुरे राम सो ते दिन मिले ना राती वही अच्छे तो मैं जानो करो बेटा हम कोड़े दे दिला तो मुझे जानो होते पाए अपन कौन कुछ ना संसार में मिलन और बिछे लगा रहता है संसार है मिलन और बिछेद जो कि जन जन्म हो माने जो दिन निहाती मरबो आज तुम्हें कह सकते सांग है माने सब दिन से मो सांग रहिबनी केबे ना केबे तुमको अलग हबा को पड़े तेणु से कहते किए कहते कबीर दास कहते कि संसार में मिलन और विच्छेद सब लग रही है दुख और सुख के दिन बदलते रहते हैं जैसे रात को चकवा चकवी बिछुड़ जाते हैं तो प्रभात यानी कि दिन होते ही मिल भी जाते हैं लेकिन जो जीव और आत्मा राम अर्थात ईश्वर से बिछड़ते हैं वे दिन या रात कभी नहीं मिल पाते सर्वदा दुख ही दुख भोगना पड़ता है तो एठे कहउचंती एठे कबीरदास कहउचंती जे जदि तमे जे भले भाव दुख आख मिसिक ना आज दुख अच्छी कल को सुख आसब तेणु सुख दुख सब बड़े राति दिन जमी होमती राति पर सकाल सकाल पर पुणे राति पुणे सकाल से सुख दुख लग कि रही राति पर सकाल आसे पुणे सकाल पर राति हुए से सुख दुख लगी किंतु लेकिन जो जीव यानी कि आत्मा राम से बिछड़ रहे भगवान राम जी दूर को चल जाऊ अलग ठाकुर को भक्ति करूनी दिन या रात इसका वे दिन या रात कभी नहीं मिल पाते है सर्वदा दुख ही दुख भोगना पड़ता है जो एटा तो समस्त जानते जो मैंने ठाकुर को भक्ति करती भगवान को प्रति विकृष्ण भाव था से कौन दुख ही दुख पाइब सर्वदा तेनाली कबीरदास कहते
कबीरदास कोठे जन्म ग्रहण करले कबीरदास कहाँ पे जन्म हुए थे कौन से परिवार में हिंदू परिवार लेकिन पालन पोषण किसने किया जुला है मुसलमान जुला है नीरू नाम के मुसलमान जुला है पर घर पर हो जुला है कौन किसने शिष्य थे वो नेक्स्ट अच्छी सदगुरु हम सो रिजि करी कहां एक पर्सन वर्षा बादल प्रेम का भिजी गया सब अंग हम पूछती कि गुरु के द्वारा उपदेश पाकर शिष्य की आत्मा प्रसन्न हो जाती है गुरु को ठहरो यदि तुम्हें उपदेश पाओ द्वारा गुरु को द्वारा गुरु को सहाय रे बा गुरु को द्वारा उपदेश मिले कि शिष्य माने कौन होंगे तंकर आत्मा प्रसन्न हो जहाँ तुमको सिखाए गोटे जिन तुम्हें सीखना तो गुरु तुमको सीखे तुम मन खुशी है सहीटा को कबीर कहते भाषा एक दिन गुरु ने ईश्वर की महिमा का ऐसा वर्णन किया कि प्रेम का बादल वर्षा और शिष्य का सारा शरीर उसे सरोवर हो गया एक दिन गोटे दिन कौन है कि ईश्वर की महिमा ईश्वर गुणगान ईश्वर महिमा कौन ईश्वर गुणगान करते ऐसा एमती भाव जन गुरु वर्णना करें कि गोटे शिष्य ऐसा वर्णन किया कि प्रेम का बादल वर्षा और शिष्य का सारा शरीर उससे सरोवर हो गया सराबर हो गया प्रेम का बादल जमी वर्षा रे गोटे लोक ओदा हेल्ला तार देह सारा ओदा हो जाए से भाया गुरु एमती गोटे भगवान विषय शिक्षा प्रदान कले जोटा के शुणी की ये खुशी प्रेम तार मन भिजी गला जमी वर्षा भिजे केवल कबीरदास तुलना करते जो भाई भाव में वर्षा हेले गोटे मनुष्य शरीर भिजी जाए से भाव में प्रेम वर्षा लोकर मन शरीर भिजी गला से भगवान का नाम शुणी ईश्वर प्रेम की रसमयी कथा सुनकर आनंद मिला आउ कौन ईश्वर प्रेम भरा रसमयी जो शांति मिले जो तो भाव भाव विहल हो शुणी बहुत आनंद मिला तापर कौन अच्छी नेक्स्ट कस्तूरी कुंडल वैसे ढूंढे बन माही ऐसे घट में पी है दुनिया जाने नहीं चार अच्छी तार अर्थ कौन यहाँ तत्व की एक बात कही गई है शब्दर कथा गोटे कह कौन कह वास्तव में ईश्वर या परमात्मा कहीं बाहर नहीं है वो तो शरीर का अंदर है प्रकृत ईश्वर कौन सी बाहर जगह नहांती सी हूँ आम शरीर भितर अच्छा कबीरदास कहते हृदय में विराजमान आ कौटे अच्छा शरीर हृदय विराजमान अच्छा मान अवस्थित अच्छा लेकिन साधक या भक्त उसे मंदिर मस्जिद आदि बाहरी स्थानों में ढूंढता रहता है लेकिन साधक साधक या भक्त माने जी ठाकुर को पूजा करे साधना करे सी साधक आए भक्ति करते सी हूँ भक्त तेणु कबीरदास कहते कि ईश्वर सब बेले आम देह भीतर विद्यमान अच्छा प्रत्येक मनुष्य शरीर रे हृदय रे ही ईश्वर विद्यमान किंतु लोक मैंने कौन करती साधक मान हूँ भक्त मान हूँ कौन करती से मैंने मंदिर मस्जिद रे खोजते हिंदू मान मंदिर ठाकुर को खोजती आ मुसलिम मान कौटी मस्जिद रे तापर तुम ख्रीस्टियन मान चर्च रे मंदिर आम जमी भगवान स्थान मंदिर भगवान स्थान मस्जिद आ चर्च सी कौन करते सी मस्जिद खोज लेकिन साधक या भक्त से मंदिर मस्जिद आदि बाहरी स्थानों में ढूंढा रहता है लोक कौन करते मंदिर एंड मस्जिद आउटी बाहरी स्थान यानी कि जमी ख्रीस्टियन गले चर्च खोजिले बाकी बहुत बौद्ध मान बौद्ध मान गले जो कौन कर संगीत गान कराए खोजिले बौद्ध धर्म लोक जा सत्संग करती सत्संग खोजिले डिफरेंट टाइप रोक जे जहाँ को भक्ति करते घर निज मन भितर भगवान खाई कि आम कौन करूँ कौन गोटे पूजा हेल्ले चल मंदिर जावा
आमे भी जानिचु बहेरे पढ़ुचु तथापि चलो मंदिर जवा पूजा करे काई आमे भी खोजुचु भगवान को मंदिर रे किंतु एठी कबीरदास कहते मंदिर नाई कि मस्जिद नाई भगवान निज शरीर रे विद्यमान कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है कस्तूरी मृग कस्तूरी जो बाहर गोटे गोटे था साधारण मृग आ गए कस्तूरी मृग नाभि कस्तूरी था जो बहुत बढ़िया बास्ना से कस्तूरी टा बहुत भल बास्ना सेटा हमारे नाभि थाए तो कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी रहती है किंतु पसीए कौन करे पर उसका सुबास पाकर मृग उसे मन मन में ढूंढता फिरता है से जो कस्तूरी मृगटी जे तार नाभि रे कस्तूरी थाई कि मध्य से जानी पारे नी तार बासना रे जते ताकु हुए से कौन करे बण सारा बुली बुली खोजे कोडी कस्तूरी अछि कोडी कस्तूरी अछि जेउ मोरे भाव रे मनुष्य निज देह भीतर निज शरीर आत्मा भीतर भगवान थाई कि मध्य से मंदिर मस्जिद बुलु थाए भगवान को खोजिबा पई केउ भले एठी कबीरदास कस्तूरी मृग सहित मनुष्यर भावना को तुलना करथे तो जो भाई भाव में कस्तूरी मृग निज नाभि कस्तूरी थी से बण सारा तार बास्ना खोज बोले बास्ना संगीत खोज बोले कौटी कस्तूरी अच्छे ठीक सेमती मनीष निज आत्मा भितर भगवान थी सी मंदिर मस्जिद बुली थाए यह व्यर्थ प्रयास करता है से वृथा चेष्टा व्यर्थ प्रयास यानी कि वृथा चेष्टा जो चेष्ट कि हासिल करहबन किसी पाइबार ना से वृथा चेष्टा अर्थात बाहरी पूजा प्रार्थना छोड़ ईश्वर को अपने भीतर ढूंढ एथि कि कबीरदास कहते ये सब वृथा चेष्टा बाहर आडंबर बाहर पूजा पाठ को छाड़ी कौन कर पूजा प्रार्थना को छाड़ी ईश्वर को निज भीतर खोजा कबीरदास कहते क्लियर है बुझाला बुझा पड़नी तमर ओडिया अच्छे ना भी जो कंपलसरी ओडिया साई इतना दीजिए जामे कुटुम समय मैं भी भूखा ना रहू साधु ना भूखा जाए कितने नंबर पांच नंबर कबीरदास जीवन में संतोष का महत्व समझाते हैं संतोष माने आत्मतृप्ति जोटा खुशी संतोष पाइबा आत्मतृप्ति पाइबा आत्मा खुशी हेबा जोटा सेटा संतोष बा आत्मतृप्ति तो कबीरदास जीवन में संतोष का महत्व समझाते संतोष र आत्मतृप्ति र महत्व टाकु से बुझौछन्ती कोन भाव रे केउ भाव रे बुझौछन्ती लोग धन कमाने के लिए जीवन भर भागते फिरते हैं लोक कौन कर साधारणतः धन कमेबा मन रोजगार टंका पैसा बढ़ेबा पई जीवन कटी जाए टंका पैसा रोजगार करबा एथिरे लोक कौन भावते छोट हो जाए बड़ हो जाए जिते जो पैसा रोजगार करे कि हाँ आउ किसी दिन रोजगार एमती कर पैसा पति जाए शेष तार बुढ़ापा आसी जाए तार समय सरी जाए तथापि तार पैसा रोजगार करार जो लालसाटा इच्छाटा इच्छा शक्ति केवे कमी ना कहीं जिते आम आम घर मानक देखा समस्त जेजे बापा जेजे माँ बैजे ज्येष्ठ लोक सब अच्छा ज्येष्ठ व्यक्ति मैंने तो से कौन पूरा पैसा प्रति मुह छाड़ी जाए कि सी भी जब किसी गोटे चान्स मिलूँ कौ बाटे गोटे पैसा मिली जीव कि सी से कम करने तत्पर से देह को कष्ट हो बर तथा से उठी पड़ते कमटा कर तेणु लोग लोक मैंने धन कमेबाई जीवन सारा पैसा पचर भाग पैसा पचर तो सेटा कह तमें कौन पर पैसा नुह निज कष्ट उपार्जित धन पाई लाइफ सारा बुढ़ा हे पर्यटन भावते आम कि पैसा रोजगार करदेबू आम कि धन कमेदबू बोली भावते मूल्यवान जीवन ईश्वर चिंतन छोड़ सांसारिक अनित्य बातों में लगा रहता है मनुष्य कौन करती तो आम को मिली जो मूल्यवान जीवन ताको आम कौन ईश्वर को चिंता करवा छाड़ ईश्वर चिंतन गोटे समय आसी तुम पढ़ी कि प्रथम कौन बाल्यावस्था पर जौवना अवस्था तापर बानप्रस्थ आ गए चारिटा गौतम बुद्ध चारिटा अच्छी गृहस्थ बानप्रस्थ पढ़ी ना टेन्थ प्रथम संसार कर संसार छोट पा शैशव तापर चारिटा अवस्था मनुष्य गोटे बचपन छोट अच्छा
तापर सांसारिक हला बाहा सहले घर सुंदर चले तापर गृहस्थ हला बाहा सहले दुटा सॉरी प्रथमे छोट अछ तापर युवक अवस्था ला तापर गृहस्थ हला सांसारिक जीवन यापन पला बाहा हला सब हला तापर जो वानप्रस्थ मुगु संसार छाड़ी किना ठाकुरंकर पूजा अर्चना माला जप करबा को पड़ जाय गोटे बयस आसे वृद्ध बयस जोटा सेत बेला लोक माने कोन करथि तीर्थ यात्रा जो करथि कोन सेत के कोन माने तीर्थ यात्रा करथि बाध्यता हो गले मन रे आसी जाय तीर्थ यात्रा करिया को तेणु से ही समय रे लोक माने कोन करथिन हमर मूल्यवान जीवन अछि गोटे गोटे स्पेस को पार करके जीवा पे हमको जो मनीष जीवन टाइम मिली कम छोट हेलोपर बड़ धीरे धीरे बड़ हेलो पाठ पढ़ल पैसा रोजगार कल बाहर घर संसार कल तुम पिला छुआ जो ठिया निज गोटे तुम से जो बार्धक्य आसगला तुम्हें से कौन कल ईश्वर को चिंतन करवा आवश्यक पड़ था कि लोक कौन कर कबीर दास भाषा से मैंने कौन आज भी पूरा बुढ़ा हवा पर्यत जीवन शेष अंतिम पर्याय पर्यटन से धन कम लगी ईश्वर चिंतन को छाड़ी ईश्वर को प्रति जो भावना दबा दबा कथा से छाड़ी सांसारिक अनित्य बात में लगा रहते सब संसार अनित्य बात मान जो आवश्यक नुहे से बयस लगी पड़ते कभी ईश्वर से मानता है कि मुझे ज्यादा धन नहीं चाहिए कभी कहते कबीर दास कहते हे ईश्वर मत कर मत दया कर कि मत अधिक धन दिना मुझे ज्यादा धन नहीं चाहिए इतना धन दीजिए कि मेरा गुजारा चल जाए और कोई भक्त साधु अतिथि या आ जाए तो उसका सत्कार कर सकते अभी कबीरदास ठाकुर कहते मत बहुत सारा धन दरकार नहीं जो आम कौन बेस धन हो गल कौन कर लग्जरियस लाइफ मेंटेन करू साधारण अल्प धन थी बस खाइब कपड़ा खंडे पिंधिब जमी साधारण जीवन जापन करणिया बंधु आसमी पा ग्लास दे पार जो अधिका धन हो जाए कौन कर गाड़ी कि चढ़ा अधिका धन हो भल भल मोबाइल नर्माल मोबाइल तो आम कौन कथा कितने अधिक पैसा जाए बड़ फोन धरिया गैलेक्सी हूँ तुम स्मार्टफोन आंड्रॉइड फोन धरवा एत सारा फिचर्स अच्छी आउ टे पैसा हो गए आईफोन टे धरवा आउ टे पैसा हो गए गोटे बैक है बैक धरवा सेमती मनुष्य कौन कर धीरे धीरे तार वाइंटिंग बढ़ी बढ़ी जाए जिते धन बढ़ी जाए वाइंटिंग बढ़ी बढ़ी जाए आशा बढ़ी बढ़ी जाए तो तेरे कबीर दास कौन कहते कि मुझे ज्यादा धन नहीं चाहिए लालसा बढ़ेगा लोभ मोह माया बढ़ी तेणु से कहते इतना धन दीजिए कि मेरा गुजारा चल जाए और कोई भक्त साधु अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार कर सके ये धन दि जो थे कि मोर पर चल सहित जो साधु संत मान मो घर को आसुवे कि अतिथि मान मो घर को आसुवे से मानकर किसी सत्कार करवा टे पानी टिके एटलिस्ट दे पारे नेक्स्ट काल करे सो आज करे सो आओ कल में परलय होएगा बहुरी करे करोगे कब ए लाइन दुटा तुम पेन थिला कि तुम आगो बोर्ड थिला सीबीएसई बोर्ड आज करे सो अब पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब तो पुणी कहते कबीर दास की मनुष्य की जिंदगी अनिश्चित है मनीष जीवन रिच्छ निश्चिंतता ना तुम कौन कही आज बस थी कि ना कहीपर बाहर जाऊ गाड़ी धरिक कौट आक्सीडेट है कौन है कहीं परवर्त गोटे गोटे सेकेंड पर कौन हम कहीपरब तेणु कबीर दास भाषा मनुष्य जीवन हूँ अनिश्चित तार किसी निश्चिंतता ना आज थी कल ना इसलिए जो भी काम करना है उसे तुरंत करना चाहिए से कह जाए कि जो काम टा भाभीज ताकू शीघ्र करदेबा उचित कल का काम आज कर लो काली जोटा भाभीज काली करदे काली केवे लाइफ रे आसे नहीं काली आसे छी तुम्हें आज कहो काली करदेबो जेतो काली आसीबो से जो सेटा तुम कोन काली कहो छ पुनी काली 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 इंते चालीबो तेनु काली केवे आसे नहीं जोटा भाबुछ कि काली करदेबो आज तुम्हें भाबुछ जे एई टेस्ट मते पढिबार छ मु काली पढि देबो
আজি ইচ্ছা হয়নি কালি টাইম আছে কালি পড়ে দেবে, কালি সানডে আছে ছুটি আছে পড়ে দেবে, ভাবে দিব কিন্তু কালি কেবে আসবনি, কিছু না কিছু গোটে কাম পড়ে যাব কি সানডে আছে কি পড়ুছে মানডে যাও তাহলে বুলে আড়ি মানে মানডে আসলে মানডে কলেজ খোলে গেল এত সারা প্রেসার টেকনিক্যাল কি পড়িবে চলো টিউজডে পড়িবা এমনি হেই হেই টাইম পড়ে যায় সেথিপাই এটি কবি কোজন্তি কি যোটা তুমি কালি করিবা পাই ভাবুছ সেটা তুমি আজি হি কর দিও, কাল কা কাম আজ কর লো কিউকি প্রলয় আ मृत्यु या नाश कब आ जाए पता नहीं, प्रलय मृत्यु या नाश एक प्रकार कितने बड़े किसी गोटे अघटन घटी जाए पारे या फिर मृत्यु आसी जाए पारे या फिर आउ किसी अनर्थ हो जाए पारे जो काम टा तुम्हें करिया पई जो टाइम टा फिक्स करि दबो से टाइम टा हुए तो आउ किसी काम रे तुम्हें लगे देबो या फिर कहार मृत्यु आसी जबो या फिर आउ किसी प्रलय आसी जबो किसी गोटे असुविधा आसी जबो तुम से काम करि पारिबो क्योंकि प्रलय या मृत्यु या नाश कब आ जाए पता नहीं कितने बड़े कौन आसीजो किसी कही हम ना तुम कल भावित कम करना जहा फल तुम से कम अपूरणीय रही तेणु कवि भाषा से कल जो भाव कर आज ही कर दि तब काम करने का मौका नहीं मिलेगा जब किसी असुविधा आसीज मृत्यु आसीज प्रलय आस मौका ही मिले कम करने सो तुम से कम आज ही सारी दि बोली कबीरदास दोहारे क्लियर है नेक्स्ट जेही घटी प्रीति ना प्रेम रस पुने रसना नहीं रा ते नर आए संसार में उपजी खाए बेगम, जिस व्यक्ति के हृदय में प्रीति नहीं, प्रीति यानी कि श्रद्धा स्नेह श्रद्धा जहार जो व्यक्ति कबीर दास कहते कि जो व्यक्ति हृदय रे श्रद्धा नहीं नहीं जिसे प्रेम का अनुभव होता है जिसकी जीव राम का भजन नहीं करती वो इस संसार में व्यर्थ जन्म लेता है, माता पिता और जीता है बिना ईश्वर स्मरण के जीवन व्यर्थ है। तो ये कबीरदास कौन कहते जहार जो व्यक्ति हृदय श्रद्धा नहीं कहा प्रति भल पाइबा कहा प्रति स्नेह ये सब भावना नहीं या फिर जिसे प्रेम का अनुभव होता है जिसे नहीं नहीं ना ही जिसे प्रेम का अनुभव होता है जो लोग मन रे कहा प्रति भक्ति श्रद्धा भल पाइबा रो अनुभव केबे हुए नहीं सही भले जिसकी जीव राम आउ कौन है ना थे से लोग केबे भी जहार जीव केबे हेले राम नाम बोली भजन करि रहथाय राम नाम को जे कोनोसी भगवान को नाम जदी भजन जे जीव को आ जाए जे जीव केबे राम नाम भजन करेनी या फिर भगवान ईश्वर को कथा पाटी रे कहि पारेनी ईश्वर को प्रार्थना गाय पारेनी से जीवर मूल्य कोन जेमिति सेमते एडी कबीरदास करजंती जे व्यक्ति को हृदय रे श्रद्धा नाही जो व्यक्ति मन भितर कहा प्रति भक्ति भावना ना या फिर जो व्यक्ति मन में भगवान जीभ रे भगवान नाम स्मरण करनी से खाली खाई पी की बंचिक रही बिना ईश्वर स्मरण के जीवन व्यर्थ तार से जीवन रूल्य कि ना व्यर्थ है अकारण किसी मानने मूल्यहीन तार से जीवन रिचि मूल्य ना वो संसार इस संसार में व्यर्थ जन्म लेता है से ये जो संसार जन्म नहीं बेकार माने मूल्यहीन भाव जन्म नहीं तार कि जीवन रूल्य ना बोली कवि कबीरदास कहते कौन कैसे खाली संसार को आसी खाता पिता अर्जित है खाली बंचब खाइब पीब बंचब आर जीवन रूल्य कि ना से खाली रे खाली व्यर्थहीन जीवन धरिकी आस जो मैंने श्रद्धा जहां मन में श्रद्धा ना जहां मन में कह प्रति भक्ति ना आए ईश्वर नाम के मन में जप जीभ मुह द्वारा जप करे ना से व्यक्ति जीवन मूल्य है मनीषा जन मनीषा जन दुर्लभ है देहना बारंबार तरवर तरवर थे फल झारी पर्या बहुरी ना लेगो डार बहुरी ना लागे डार कौन अच्छी तार अर्थ तो ये कबीरदास कहते मनुष्य का जन्म आसानी से नहीं मिलता मनुष्य जन्म तुमको सहज मिले ना इजी मिले ना कह जाए।